सिंधिया जी हम स्वागत कर रहे हैं। सिंधिया जी का क्या, कम से कम हिम्मत तो दिखाना, केवल भाषण तो हो जाएगा? केवल भाषण क्या दिया कि हमने साहब हम झंडा लेके चलेंगे। कब चलोगे? जब पूरी नदी लुट जाएंगी। सिंधिया जी हम स्वागत कर रहे हैं। सिंधिया जी का क्या, कम से कम हिम्मत तो दिखाना, केवल भाषण तो हो जाएगा? केवल भाषण क्या दिया कि हमने साहब हम झंडा लेके चलेंगे। कब चलोगे? जब पूरी नदी लुट जाएंगी। मैं हमारा घोषणा है, जो रेत की गति चल रही है भिंड जिले की, दतिया जिले की जीवनदाय नदी नदी है, जो सिंचाई देती है, लोगों को पानी देती है, पेयजल दे रही है, ये नदी में अगर इसी तरह का उत्खनन केवल एक वर्ष और चलेगा उत्खनन, तो पूरी सिंध नदी मृत्यु प्राय हो जाएगी। गृह मंत्री को एक पत्र लिखा था इस हेतु, आपने कोई जवाब वगैरह आया? गृह मंत्री ये मिले, बोले हमें आपका पत्र नहीं मिला, हमने दूसरा दे दिया उनको। अब गृह मंत्री की देख रेख में सब हो रहा है तो फिर कहाँ से होगा? गोलियाँ चल रही हैं, सेवाड़ा में पुलिस पर गोली चलाई, सेवाड़ा थाने कंदरपुरा में रेत माफियाओं ने, अभी तक पूरी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आखिर गृह मंत्री का जिला है, इसके 4 महीने पहले इंद्रगढ़ में गोली चली थी, रेत माफियाओं ने चलाई थी, तभी एक पुलिस वाले को लगी, आम जनता का एक आदमी मारा गया था। अभी एक मामला और सामने आया अमोलपुरा में, नगर थाने अंतर्गत एक की मौत हुई है वनकर्मियों के द्वारा गोली फायरिंग में, रेत उत्खनन को लेकर। तो जब रेत ऐसा है, बचाव में किया होगा, हमें इसकी स्पष्ट ये जानकारी है कि एक गांव का आदमी मरा है, लेकिन वास्तविकता जब जांच हो जाएगी हम खुद पुष्टि कर लेंगे क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं रेत का तो मामला चल ही रहा है, जगह जगह ट्रोलियाँ आ रही हैं, तो अवैध उत्खनन तो भारी पैमाने पर, और शिवराज सिंह जब आएंगे तब तो अवैध उत्खनन होगा ही। अब मंत्रिमंडलीय कमेटी बन गई है, रेत ठेकेदारों को राहत दे रहे हैं, पूरा लुटवा दिया, अकेले रेत से ही पूरा आपकी अर्थव्यवस्था, किसानों की सिंचाई, पीने के लिए महानगरों के लिए पानी सब समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा शिवराज सिंह जी से अपील है कि कम से कम आप नदियों को बचाओ, भले ही थोड़ी कष्ट उठाना पड़े जनता को तो उठा लेंगे, रेत की जगह और उपयोग कर लेंगे। जैसे आजकल वो क्या होता था ना, चूरा लगने लगा है सीमेंट की जगह, पत्थर का सैंड बनने लगा है, तो उसका उपयोग करें, नदियों को बचाएं, ये हमारी उनसे निवेदन है, अनुरोध भी है। पर सिंधिया जी हम स्वागत कर रहे हैं। सिंधिया जी का क्या, कम से कम हिम्मत तो दिखाएं, केवल भाषण तो हो जाएगा? केवल भाषण क्या दिया कि हमने साहब हम झंडा लेके चलेंगे। कब चलोगे? जब पूरी नदी लुट जाएंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।